आजादी की सांसें लेता हूं मैं। भय गुलाम है मेरा, सत्य से दोस्ती है मेरी, भ्रष्टाचार दुश्मन है मेरा, गहरी है आवाज मेरी, न्याय से नाता है मेरा, हौसला आपका विश्वास है मेरा, बुलंदियां आपकी जीत है मेरी, मैं ही आवाज आपकी, मैं ही आगाज आपका, मैं ही हमदर्द आपका, मैं ही हूं प्यार आपका। टिकट मांगा होकर धर्म का भी जो है, मैंने तो सिंहस्थ में रामघाट से पूरा मैंने ये सब किया। किसान परेशान तो हुआ है, बहुत ज्यादा परेशान कर रहे, सपा परेशान कर रहे, बेकार। अब आपने बताओ, किसान के पास पैसा जब उसको जरूरत लग रही है, जब तो चला तो नहीं, जब किसान के पास सब बिक गया, बनियन के पास पहुंच गया, किसान ने बेच दिया, जो भी वहाँ बेचना थी, जो ब्याह करना, शादी करना, पहरावनी करना, दुनिया का काम रहता किसान के पास, जब बारिश आ गई माथे पे, जब जाके किसान के पास ही नहीं मिले, पैसा ही नहीं। ये लाडली लक्ष्मी है, ये योजना है, ये किसान की योजना, वो योजना वहां तक पहुंच नहीं पाई है सर, किसान तक पहुंच नहीं पाई। मतलब योजना तो अच्छी बने मगर योजना पहुंच नहीं, तो इतना किसान परेशान पहले नहीं। विकास तो हो गया, सड़कें बन गई, सड़क बन गई, ये बात मान गया, सड़कें बन गई, विकास हो गया, ये तो केंद्र से हुआ। केंद्र का शिवराज सिंह का ठेका था, अंदर की सड़कें तो नहीं बनी, शिवराज सिंह का ठेका था, तीन साल का टेंडर था, उसने दो साल में पूरा किया। अब एक एक कर्मचारी 5-5 लाख कीमत की उसकी तनखा दिए गए महीने में, उसको कितना फायदा हुआ एक साल पहले बनाने के बाद, यही ये रोड, ये रोड का। अच्छा, और क्या, शिवराज सिंह का ही टेंडर था, ये शिवराज सिंह तो था, पार्टनरी में करो, शिवराज सिंह पैसा आ रहा है। सब माल बनाने में लगे रहते हैं, कोई बैठे माल बनाओ, ऐसा है दुनिया पे बैठ के भी बात कर सकते। मैं भी गांव का रहने वाला हूँ, हमारा भाई भी राजनीति करता है, जिला अध्यक्ष है गुना जिले का, गुना जिले का जिला अध्यक्ष, बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी से। अच्छा, कांग्रेस ने वोट दिया, गाड़ी खड़ी है नहीं खड़ी है, अच्छा पुरस्कार में खड़ी है, हाँ पुरस्कार में जिला अध्यक्ष घर भी तुमको इस तरह से रोज क्या, कांग्रेस बीजेपी ने हमको वोट नहीं दिए, मैंडेट संघ ने करवाया, बीजेपी को फेवर करना चाहिए ना, जब कांग्रेस ने वोट दिए हमको, दिग्विजय सिंह ने वोट दिलवाया, उसने जिलाध्यक्ष बनाया, जब बीजेपी की जब मैंडेट संघ ने करवाया तो आओ फेवर कौन का, बीजेपी कौन का फेवर करना चाहिए, नो वोट का बीजेपी के पास थे, कांग्रेस के पास 2-3 बचे थे 14 रहते, 5 बीजेपी के पास थे, कांग्रेस के पास उसने फेवर करके जिलाध्यक्ष बनाया, बीजेपी वाले ममता मीना विधायक थी जिला का, हमने सदस्य का चुनाव लड़ा, सदस्य का चुनाव जीत गए, सदस्य का चुनाव जीतने के बाद किसी से कही भाई तुम बन जा कोई बनने को तैयार नहीं हुआ, हमारे भाई ने कहा कि अपन ही बनते हैं आपको देख के, दिग्विजय सिंह से मुलाकात हो गई, फिर उन्होंने कही अगर वोट है तेरे पास तुम्हें दिलवा लो, उनने काटा पीट करी, दिग्विजय सिंह ने पागड़ी का और उनका वोट उधर से 3-4 वोट दिलवा, ऐसा है मतलब राजा साहब, आप ये बताओ आप पार्टी में गई
गाड़ी चलेगी, आप मेरी कार ड्राइव कर दें और तो फिर फायदा कौन सा, पार्टी हो जाए कोई भी, कैसा हुआ की बार, मतलब जो है बदलाव होएगा बाहर बेटा, वो प्यारी चाय बनी है बेटे, गाड़ी वाले से जाजा लेते हैं तो मुरैना से लगा के कुछ मिला क्या पहले, क्या भाव रहती है सोयाबीन, सोयाबीन तो कोई 3,000 बिक रही है, 3,000 बिक रही है, 3,200 4,500 तक बिक रही सोयाबीन, आपको भाव नहीं चलता, जो पसंद नहीं होती उसका भाव टेंशन हो गया, अब तो घर में की टेंशन हो गई, महंगी पड़ जाती है फसल, किसान का तो देखो, किसान को तो पैसे की जरूरत, फसल आ गई, मामा जी ने कई किसान को लाभ का धंधा बनाएंगे, बन का बन का तो बनो, किसान पैसे देखो, किसान कार्ड में ओवर डू रहता है किसान, अब माफ किसका किया जिसका डू है, और तू तो 100 में 1 आदमी है, पूरे ओवर डू चल रहा है, पैसे नहीं है, सोयाबीन के साल से पिट रही है, आप देख रहे हो 2-5 साल से सोयाबीन पिट रही है, पिट रही ना, तो किसान के पास पैसे कहाँ से आए, तो ओवर डू चलेगा ना, वो ओवर डू चलेगा, सही बात, ओवर डू चलेगा तो पैसा आएगा, तो उसमें कुछ होने और टू है थोड़ा बहुत ही, एक तो 100 में 10-20 टू है उनको फायदा मिल जाएगा, बाकी तो भाड़ में कहना, अरे तुम्हें किसान कार्ड करना सब पे करो, तो ओवर टू बेचारे चल रहे हैं गरीब गुरबा को कहाँ से भरेंगे, तो उनका करो ना पहले, सफाई साफ मैदान कर रहे रहने वाले। तो दोस्तों ये हमने बिना किसी जान पहचान के और बिना किसी उसके किसी इंट्रो के हमने सीधी सीधी बात यहाँ पर काला पहाड़ के यहाँ शंकर सिंह जी और केदार सिंह जी से हमने की, इनसे हमने ऐसे ही जायजा लिया कि क्या हाल है अभी, कैसा माहौल है, और इन्होंने जो भी कुछ बताया वो आपने सुन ही लिया है, वो आप खुद तय करें कि अब की बार कैसा है, कैसा है वक्त और कैसे है वक्त बदलाव का, कैसे बदलेगी सरकार, हम भी होंगे आप भी होंगे, देखेंगे हम सब, देखते रहिए आप भी लॉजिकल इंडिया पर बेखौफ बुलेटिन में, मैं विजय कौशिक कैमरामैन दिलीप और राकेश के साथ काला पहाड़ से, टेक केयर।